हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम तोरण पट्टी एकदम सिंपल सी बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे आप मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे और नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हम ऊल यूज़ करेंगे इस कंपनी का, जो बहुत सॉफ्ट होता है, शालीमार का, और ये 9 नंबर का क्रोशिया इस्तेमाल करेंगे। एक क्रोशिया 9 नंबर का है, और हम तोरण पट्टी बनाने के लिए पहले एक लूप बनाएंगे। फिर हम 16 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 चेन 16। फिर हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ये साइड में चला जाएगा। फिर यहाँ से डबल क्रोशिया, एक और दूसरे में डबल क्रोशिया, ये हो गया लाइन बराबर करने के लिए। फिर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 4 1 5, मतलब कुल मिला के 7 डबल क्रोशिया। ये हो गया 7 डबल क्रोशिया। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर यहाँ 1 2 छोड़ देंगे तीसरे में आके, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से जितने चेन हैं सब में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6, एक और, मतलब 7 डबल क्रोशिया। अब हम दूसरी लाइन में जाएंगे, इसलिए 3 चेन बुनेंगे,
दो तीन मतलब थ्री चेन। फिर अब यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, यहाँ से डबल क्रोशिया लाइन ठीक रखने के लिए। फिर हम यहाँ से पांच चेन बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। फिर हम यहाँ फिर लूप लेंगे, यहाँ के डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, फिर एक और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर हम पांच चेन देंगे, एक दो तीन चार पाँच। फिर हम यहाँ आएंगे किनारे वाले में, इसमें दूसरे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छोड़ के इसमें आके डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, ये हो गया। फिर एक और इसमें लास्ट वाले में, लास्ट की चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ से तीन चेन लेंगे, तीन। फिर हम इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे हमारी लाइन ख़राब नहीं होगी, सीधे जाएगी एकदम। फिर अब यहाँ से हम पांच डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच। पाँच हो गया ये। फिर हम दो चेन लेंगे, एक दो मतलब टू चेन। फिर इसमें आके फिर से पांच डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच, पाँच डबल क्रोशिया। फिर एक किनारे वाले पे एक डबल क्रोशिया, फिर ये लाइन सीधा करने के लिए यहाँ इस वाले में से दो चेन छोड़ के इसमें, ये हो गया। तो कुछ ऐसी तरह दिखने लग जाएगा तोरण। फिर हम यहाँ आके तीन चेन लेंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे दूसरी लाइन को। फिर इसके ऊपर ये जो सीधी लाइन जा रही है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया, हमारी लाइन सीधी हो गई। अब हम पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। फिर यहाँ आके इस होल में ये वाला पोर्शन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बुनेंगे, ये हुआ एक, ये हुआ दो। फिर से पांच चेन, एक दो तीन चार पाँच। फिर हम एक किनारे वाले पे आएंगे, यहाँ पांच छोड़ के पांच डबल क्रोशिया छोड़ के इस पे आके यहाँ से एक दो,
फिर तीसरे वाले में, यहाँ से ये हो गई लाइन सीधी हमारी। ये आप किनारे अगर चौड़ा करना चाहें तो ये किनारे दो तीन और डबल क्रोशिया साइड में रख सकते हैं ताकि ये इतना सिरा चौड़ा हो जाए। बाकी सेम इसी तरह से पूरा बनाएंगे। फिर यहाँ से जाएंगे, फिर तीन चेन, एक दो तीन, फिर इस पे आएंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, फिर इसमें पांच डबल क्रोशिया, इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ा टाइट बुनिएगा नहीं तो नीचे थोड़ा फूल जाएगा। तीन, चार, पांच, ये हो गया पांच। फिर एक दो चेन, फिर यहाँ आएंगे, इसमें पांच डबल क्रोशिया, एक दो हो गए, दो तीन चार पांच, फिर इसमें आके बुनेंगे। फिर इसमें एक ऐसी लाइन बराबर रहेगी हमेशा, दो चेन या तीन रहता है, दो छोड़ के तीसरे चेन में फिर ये लाइन घूमेगी, एक दो तीन। इस तरह से नीचे कोई भी डिज़ाइन भी आप लटका सकते हैं, पहले पूरी पट्टी बना के सुंदर से। अब हम यहाँ आ गए हैं इस साइड में, फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक ये लास्ट वाले में इसी तरह से, ये जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा बना के इसे आप कंप्लीट कर देंगे इस तरह से, इस तरह से।